हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। कल जो मैच होने जा रहा है इंग्लिश वर्ल्ड ए कप का, यॉर वर्सेस वॉर यानी यॉर्कशायर वर्सेस वॉरविक श्री, ये दो नई टीमें काफ़ी अच्छी उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, दोनों ही टीम के बैट्समैन भी अच्छे, बॉलर भी अच्छे, ऑलराउंडर सभी अच्छे। तो मैं हर बार की तरह अभी लीग नहीं आएगी मेगा कैंटन में, छोटी लीग में इसे ज्वाइन होता हूँ अभी। यह आप देख सकते हैं, विकेट कीपर में तीन ऑप्शन है, यहाँ तो दो ही खेलने वाले हैं। यॉर्क की तरफ से एंडी हुड और की तरफ से बेन कॉक्स। तो आप एंडी हुड को लीजिए या फिर ये कीजिए कि बेन कॉक्स को लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम विकेट कीपर एंडी हुड को ही लिया है। अगर बेन कॉक्स खेलते तो आपकी रैंक ज़्यादा आती। तो यह आप देख सकते हैं, यॉर्कशायर की तरफ से पिछले मैच में टॉप परफॉर्मेंस चेतेश्वर पुजारा ने किया था, और सबसे अच्छे यॉर्क के जिन्होंने 150 बॉल में 164 रन निकाले थे, टॉम खोलकर एंड मोरी। थोड़े बोलते समय मिस्टेक होते, उसके लिए भी सॉरी, नाम ही ऐसे इनकी। और ऑज की तरफ से बैट्समैन देखे तो आपको बताता हूँ, एडम लिप टॉम फेल। तो आप ये कीजिए कि एडम लिप को लीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चेंज क्या होता है कि और की तरफ से ये चेंजेस है कि गैरी बैलेंस जो है वो नहीं खेलने वाले, और जो कन्फर्म टीम है वही मैं हमेशा लेता हूँ, तो इस हिसाब से मैं ने लिए। तो आदिल रशीद पिछले मैच में इतने अच्छे खेले थे कि उन्हें वाइस कप्तान भी किया किसी ने तो टॉप रैंकिंग आ सकती है, क्योंकि 4 विकेट्स लिए थे। और ट्रिम ब्रेसन को लीजिए बॉलर में। चलते बॉलर में ट्रुट जो है खा गई, शायद मैच खेलने वाली नहीं, वो भी बहुत अच्छे खेले, जेम्स विनमैन, जो लीच, एड ब्रांडेड और स्टीव पेटरसन बहुत अच्छे खेलते। अगर हमें यहाँ क्या किया है कि बैट्समैन ने रोज विटली को नहीं लिया, अगर आप सेकेंड ड्रीम इलेवन टीम बनाते तो उन्हें लीजिए। विकेट कीपर में यहाँ किया है कि एंडी हुड को नहीं लिया, अगर मेगा कैंटन खेलते तो अगली टीम में उन्हें लीजिए। मैं यहाँ बताता हूँ किन किन को नहीं लिया और किन किन को लिया। ट्रेविस हेड को नहीं लिया है, ड्रेलियन मिचेल को नहीं लिया, वो दोनों ही कॉपी है, तो ब्रेट ओलिवरा को ऐसे लक बाई चांस है उनका, अगर लक अच्छा हुआ आपने लिया और खेले तो आपकी रैंक भी ऊपर आती है। बॉलर में तो सभी ले हुई है, लेकिन बेन कॉक्स को नहीं लिया, वो भी बहुत अच्छे। तो आज के बैट्समैन लेने पड़ेंगे। तो हम ऑलराउंडर में देखते, क्योंकि बॉलर तो सभी हो गए, ट्रेविस हेड को ही लेते। आगे चलते तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको कप्तान और वाइस कप्तान का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये कीजिए कि कप्तान टी कोलर कैटमोर को कीजिए और वाइस कप्तान टिम ब्रिस आदिल रशीद को कीजिए। जो आपको समझाता हूँ, यह देख सकते बेन कॉक्स को विकेट कीपर लिया है, लेकिन चांसेस यह एक ही है कि अगर टीम चेंज होती है तो आपकी तरफ से सेफ। मैंने वो ही कहा है कि आप अगले टीम में अगले एंडी कोहली विकेट कीपर लीजिए। यहाँ चेतेश्वर पुजारा आपको इंडिया से होते आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छे बैट्समैन है, पिछली बार मैच खेले थे तो 84 रन बनाए थे। टी के कैडमोरे उन्होंने तो 164 रन बनाए थे, तो वो भी अच्छे। ट्रेविड हेड ऑलराउंडर, ट्रिम ब्रेसन आदिल रशीद बॉलर में आप देख सकते हैं, पीटरसन। आपको मैं ये टीम नहीं बताकर बोलता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि
चेंज इसका करनी है आपको, मैं हर बार कहता हूँ, कप्तान वाइस कप्तान में ही आपको चेंज करना है। आपको सिर्फ पांच ही ऑप्शन है, देख सकते हैं चेतेश्वर पुजारा, एलियट, टीके कैडमोरे, ब्रेसनो, आंद्रे शेदो, टी हेड कोई नहीं, ये पांच है। अगर छह टीम बनाते हो तो देखिए आपकी रैंक भी ऊपर आएगी। कप्तान वाइस कप्तान हर बार अलग लीजिए, और थोड़े बहुत चेंजेस सिर्फ बॉलर में ही होने वाली, बाकी एक कन्फर्म ड्रीम इलेवन टीम है, इसलिए मैंने लिए। कुछ बैट्समैन नहीं लिए कि यानी कि इसलिए नहीं लिए कि इंजरी के चलते गैरी बैलेंस वो तो खेलने वाले नहीं, उन्हें तो स्क्वाड में ही नहीं दिया, वैसे ही चेंजेस होने वाले। तो मैंने यॉर्क की टीम ली है क्योंकि वो प्लेइंग इलेवन उनकी कन्फर्म है, ये ज़्यादातर बैट्समैन उनके लिए, रॉस के कम अगर सेकंड बनाए देते तो और के लीजिए, यानी कि और यॉर्कशायर के लीजिए सेकंड में, दोनों के मिक्स लीजिए छः पाँच के, ऐसे हमेशा चेंजेस करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में बता सकते हैं आप। तो या मैं बोलना चाहता हूँ कमेंट में ये मत कि भाई कौन सी टीम जीतने वाली है, मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं भाई, अगर मैं बोलूँगा ये और जीतने वाली है जीती तो बहुत अच्छी है, नहीं बोलेगी तो मुझे गाली है, अगर मैं भविष्य नहीं देखता भाई। अगर कोई ये बताता है तो मैं कमेंट किसके डिसेबल करता हूँ कि जो कुछ ऐसे होते कि अपना प्रॉफिट लेने के चक्कर में ये कमेंट में दूसरों के यूट्यूबर के कमेंट में जाकर ये डालते हैं कि भाई व्हाट्सअप नंबर देते हैं 100% रिपोर्ट है, सब झूठा होता है, उससे बचिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई यूट्यूबर आपको ऐसे बताए तो उससे भी बचिए, और उन वीडियो से भी बचिए कि ड्रीम इलेवन है कि ये ऑनलाइन सर्वर बेस है, सीओसी अगर आप खेलते हो क्लैश ऑफ क्लैंस तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन गेम कौन सी भी हैक नहीं हो सकती, उसके लिए तो एप्पल के स्टीव जॉब ही लगेंगे या फिर बड़े बड़े दुनिया के हैकर लगेंगे, ऐसा तो कोई नहीं होता, हैक नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ये दिखाता है प्रूफ तो समझिए कि वो हैक वर्जन है। मैं आपको किसी अगले वीडियो में या फिर किसी अगले आप वीडियो में देख सकते हैं, हैक वर्जन बहुत है, प्ले स्टोर में भी मिलते हैं अलग अलग, तो उससे भी बचिए, ये हैक नहीं होता, ये रियल गेम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है मैं बोला कि कमेंट में आप बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।